व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर YouTube काम नहीं कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें। उसके लिए आपको सबसे पहले आप फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑफिशियल YouTube ट्विटर अकाउंट को, और वहां से जाकर देखना पड़ेगा कि क्या रिपोर्ट है, YouTube डाउन है क्या। और अगर वहां से भी नहीं समझ में आए तो डाउन डिटेक्टर को रिकमेंड करेंगे, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप यूट्यूब के इशू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो सिवाय वेट करने के आप कुछ नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी टिप्स हैं कि आप अपना वेब पेज साइट को क्लोज करके फिर से ओपन कर लीजिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सही हो जाएगी। चेक फॉर एनी अपडेट, अगर कोई अपडेट नया आया है, नया वर्जन आया है, तो उसको अपडेट कर लीजिए। तो अपडेट कैसे करेंगे, बहुत से लोगों को अपडेट करना नहीं आता, तो एंड्रॉयड में अपडेट करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम अपडेट करेंगे और उसमें अपडेट के लिए चेक करेंगे। तो जब हम चेक करेंगे तो हमारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा और काम करने लगेगा। रीस्टार्ट योर डिवाइस, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फ़ोन को बंद करके फिर से ऑन कर लें, या लैपटॉप या पीसी को बंद करके फिर से ऑन करें तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग फिर से आ जाएगी और आपका यूट्यूब चलने लगेगा। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, ये भी हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो गया हो, आपको पता नहीं लगा हो, तो आपका यूट्यूब नहीं चलेगा। इफ़ यू आर यूजिंग सेलुलर डेटा, यू माइट वॉन्ट टू सी इफ़ योर डेटा कनेक्शन इज ऑन, अगर सेलुलर डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कनेक्शन ऑन है कि नहीं है। उसके लिए आप सेटिंग में जाइए, नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाइए, सिम को सेलेक्ट कीजिए और मोबाइल डेटा को ऑन कर दीजिए, तो आपका डेटा जो ऑफ हो गया है वो ऑन हो जाएगा। और अगर रोमिंग है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। क्लियर द ऐप कैश एंड कुकीज एंड डेटा, अपने इसमें कैश को, कुकीज़ को और डेटा को क्लियर कर दीजिए। कैश को क्लियर करने के लिए आपको एंड्रॉयड में सेटिंग में जाना पड़ेगा, ऐप्स में जाना पड़ेगा जहाँ पे ऐप्स की सेटिंग है सारी, फिर यूट्यूब ऐप में जाकर सी ऑल ऐप्स करना पड़ेगा, टैप ऑन स्टोरेज एंड कैश, और वहाँ पे स्टोरेज आपको कैश को जब आप क्लियर कर दीजिएगा तो आपका यूट्यूब चल जाएगा। जब बहुत अधिक डेटा हो जाने से या कैश जो होती है पुल हो जाती है तब भी प्रॉब्लम करता है। अगर आप विंडोज़ पीसी या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको विंडो कंप्यूटर में ओपन करना पड़ेगा, क्रोम में जाना पड़ेगा और थ्री डॉट मेनू पे क्लिक करके टॉप राइट कॉर्नर में जो यहाँ पे आता है, गो टू इन सेटिंग में जाएंगे, सेलेक्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में इधर मेनू में आता है, पिक क्लियर ब्राउजिंग डेटा, और वहाँ पर ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कर देंगे जो हम कई बार आपको बता चुके हैं। चेक द बॉक्सेस टू सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू डिलीट, आई लाइक क्लियरिंग एवरीथिंग इफ देयर आर सीरियस इशू, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई सीरियस इशू है तो सारा डेटा आप और कैश को क्लियर कर दीजिए। सेलेक्ट ऑल टाइम इन द टाइम रेंज, और अगर सेलेक्ट ऑल टाइम कर देंगे टाइम रेंज में और हिट क्लियर डेटा करेंगे तो ऑल टाइम का डेटा और कुकीज कैश जो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, जब आप दोबारा लोड करेंगे तो आपसे वो लॉगिन पासवर्ड सब मांगेगा, तब आपका डेटा जो है आप फिर से उसको रन कर पाएंगे। सिंक्रोनाइज योर डेट एंड टाइम, अपने डेट और टाइम को भी सिंक्रोनाइज कीजिए, जिससे It may seem odd, but the date and time setting should be reason for YouTube not working. अगर time और date सही नहीं है तब भी YouTube काम नहीं करता। Google server might be having trouble synchronizing with them if you don't set them correctly. और synchronize करने में problem होता तो आपका proper YouTube काम नहीं करता। तो synchronize date और time Android में करने के लिए setting में जाके, system में जाके डेट और टाइम को बाय डिफ़ॉल्ट टॉगल ऑन सेट टाइम ऑटोमेटिक वाला सेट कर देंगे, जोन टाइम ऑटोमेटिक सेट कर देंगे, लोकेशन सेट टाइम जोन करेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम आप हम लोगों का है उसी को सेट कर देंगे या टॉगल कर देंगे अगर गड़बड़ हुआ है तो।
सिंक्रोनाइज डेट एंड टाइम विंडोज में आप कंप्यूटर में करने के लिए आपको सेटिंग में जाके टाइम और लैंग्वेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेट और टाइम इन लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा कॉलम में, उसको टाइम को और जोन को ऑटोमेटिकली कर दीजिएगा तो वो सेट हो जाएगा। इज द नेटवर्किंग ब्लॉकिंग यूट्यूब, अब आपका नेटवर्क क्या आपके यूट्यूब को ब्लॉक करता है? द ओनली सोल्यूशन टू प्रॉब्लम वुड बी आज द एडमिनिस्ट्रेटर टू अलाउ द यूट्यूब एक्सेस। अब बहुत से स्कूलों में और जगह पे जो होता है रिस्ट्रिक्शन होता है कि बच्चे इंटरनेट ना यूज़ कर पाए, तो उस केस में रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है या स्ट्रिक्ट मोड ऑन होता है यूट्यूब में, तब भी बच्चे या वो लोग नहीं एक्सेस कर सकते जिनको परमिशन नहीं होती है। तो उसका एक ही सलूशन है कि एडमिनिस्ट्रेटर से एक्सेस मांग लीजिए और आप नेटवर्क पे काम कर पाइए। अपडेट योर जीपीयू ड्राइवर, अब इसमें ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट लगी होती है कंप्यूटर में और ये केवल कंप्यूटर ही के लिए है कि वहाँ पर जा कर के आप उसको ड्राइवर को अपडेट कर लीजिए। ट्राई अपडेटिंग द ड्राइवर एंड सी इफ द हेल्प, तो उसके लिए आपको डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा, डिस्प्ले अडेप्टर में जाना पड़ेगा, फिर GPU पे क्लिक करिएगा तो वो वहाँ पे पूछेगा अपडेट ड्राइवर, तो आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ड्राइवर को अपडेट कर देगा। टर्न ऑफ हार्डवेयर एक्सेलरेशन, अब आप हार्डवेयर के एक्सेलरेशन को ऑफ कर दीजिए। यू हैव यू एवर गॉटन अ ब्लैक एंड ग्रीन स्क्रीन व्हाइल ट्राइंग टू प्ले द यूट्यूब वीडियो, अगर आप YouTube वीडियो रन कर रहे हैं तो काला और हरा अगर स्क्रीन आया है तो दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन यू कांट फाइंड अ कॉज और सोल्यूशन। दिस इज यूजली ड्यू टू कंपैटिबिलिटी इशू इन द रिगार्ड टू हार्डवेयर एक्सेलरेशन, उस केस में क्या होगा, कंपैटिबल नहीं है आपका हार्डवेयर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, उसके लिए आप क्रोम में जाइएगा कंप्यूटर के और थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा, सेलेक्ट सेटिंग करिएगा, एक्सपैंड एंड एडवांस सेक्शन करिएगा, गो इनटू सिस्टम करिएगा और टॉगल ऑफ योर हार्डवेयर एक्सेलरेशन, और अपने हार्डवेयर एक्सेलरेशन को ऑफ कर दीजिएगा तब आपका सिस्टम काम करने लगेगा। अब एक्सटेंशन को इंस्पेक्ट करना, बहुत बार होता है बहुत से एक्सटेंशन आप क्रोम में इंस्टॉल कर लेते हैं जो आपके सिस्टम को प्रॉब्लम करते हैं और यूट्यूब को चलाने नहीं देते हैं, तो ओपन क्रोम करिए, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एन से शॉर्टकट की से और मैक में CMD शिफ्ट और एन से करिएगा, एट वंस एंड इकोग्निटो विंडो विल बी ओपन, नाउ ओपन यूट्यूब एंड सी इफ इट इज वर्किंग, और जब उसमें इकोग्निटो विंडो में जाइएगा तो वो बता देगा कि आपका काम कर रहा है यूट्यूब की नहीं, इफ सो देन सम ड्यूबियस एक्सटेंशंस आर सर्टेनली क्रिएटिंग ट्रबल, अगर ऐसा है कि आप नहीं काम कर रहा है तो उसके मतलब कोई एक्सटेंशन आपने ऐसा इंस्टॉल कर लिया है जो आपको वर्किंग में प्रॉब्लम कर रहा है। टू रिमूव सच एक्सटेंशन पेस्ट क्रोम एक्सटेंशन इन द URL बार एंड हिट एंटर, हियर गो थ्रू ऑल एक्सटेंशन एंड अनइंस्टॉल द वन You have no idea about. Also try to disable as many extension as possible to determine the culprit extension. अब आप अपने extensions को disable कर दीजिएगा और उसके बाद run करिएगा तो आपको पता लग जाएगा one by one करके कि किस extension से problem हो रही, तो उस extension को आप हटा दीजिए। चेक साइट सेटिंग, अब साइट की सेटिंग भी आप देख लीजिए कि क्या प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कई बार यूज होती है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो सेटिंग कंटेंट जावास्क्रिप्ट इन क्रोम URL बार एंड इंश्योर द टॉगल इज अनेबल फॉर जावास्क्रिप्ट ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर जावास्क्रिप्ट मस्ट फॉर रनिंग यूट्यूब प्रॉपरली, अगर जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है तो यूट्यूब प्रॉपर काम करेगा और अगर नहीं रन हो रहा है तो प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट की सेटिंग को आपको साइट में देख लेना चाहिए। Similarly, paste Chrome setting content sound. और जब आप ये लिखते हैं तो आपके YouTube पे sound भी proper काम करने लगती है और इसको toggle कर सकते हैं आप। Check proxy setting. Sometime even after you have removed shady extension,
Some changes remain in effect unless you reverse them manually. The proxy setting is one of them, which extension modify and that result in unreachable website. प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग भी आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करेंगे, क्रोम सेटिंग सिस्टम में जाएंगे इन एड्रेस बार एंड हिट एंटर, प्रेस क्लिक ऑन डिसेबल अंडर द प्रॉक्सी सेटिंग सेक्शन, नाउ ओपन यूट्यूब एंड चेक इफ इट इज वर्किंग। तो प्रॉक्सी सेटिंग को आपको डिसेबल करना पड़ेगा जिससे कि आपका यूट्यूब प्रॉपर काम करे। अनइंस्टॉल अननोन ऐप्स, अब ऐसे ऐप्स जो आपको पता नहीं है और ऐप में इंस्टॉल हो गए हैं तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। विंडो पीसी ओपन द रन विंडो बाय प्रेसिंग द विंडोज एंड आर की एट वंस, हियर टाइप ऐप विज डॉट सी पी वन एंड हिट एंटर। जब आप ये कमांड लिखिएगा रन मोड में तो फाइंड द एप्स विच यू डोंट यूज ऑफन अनइंस्टॉल, तो ये कंट्रोल पैनल में चला जाएगा, वहां पर जाकर के अनइंस्टॉल कर दीजिए उस ऐप को जिस ऐप को आप नहीं रखना चाहते। यू कैन ऑल्सो फाइंड हार्मफुल ऐप्स थ्रू क्रोम पेस्ट क्रोम सेटिंग क्लीनअप। अब क्रोम में जाके सेटिंग में जाके क्लीनअप जब आप लिखिएगा तो वो हार्मफुल ऐप्स को फाइंड आउट करेगा और उसको अनइंस्टॉल करने के लिए बताएगा। यू कैन अनइंस्टॉल द ऐप देयर आफ्टर, उसके बाद आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए। आपका DNS अगर गड़बड़ हो गया डोमेन नेम सर्वर तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। आर काइंड ऑफ फोन बुक्स फॉर इंटरनेट विच मेंटेन अ डायरेक्टरी ऑफ डोमेन नेम एंड द IP एड्रेस। समटाइम द DNS इज मॉडिफाइड ऑन PCs विच लीड्स टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ द वेबसाइट। किसी किसी बार क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर जो होता है मॉडिफाई हो जाता है, IP एड्रेस बदल जाता है, जिसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल प्रॉपर नहीं चलता है। एनी चेंज एट सिस्टम लेवल कैन रेंडर द वेब इनएक्सेसिबल इंक्लूडिंग यूट्यूब, सो टू रिस्टोर द DNS और विंडो PC फॉलो दिस सिस्टम। अब इस DNS को रिस्टोर करने के लिए वापस लाने के लिए आपको फिर से रन में जाना पड़ेगा, कंट्रोल विंडो आर करके और CMD लिखना पड़ेगा और IP को कॉन्फ़िगर करने के लिए फ्लश DNS करके हिट कर दीजिएगा तो DNS आपका वापस आ जाएगा। तो ये सब कमांड अगर आपको पता है तो आप बिना किसी वेंडर के आप अपनी प्रॉब्लम को सिस्टम में सॉल्व कर सकते हैं। रीसेट नेटवर्क सेटिंग, अब अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो उसको रीसेट कर सकते हैं या ट्रबल शूटिंग करके वापस ला सकते हैं। इफ़ योर यूट्यूब इज नॉट वर्किंग ऑन एंड्रॉयड iOS डिवाइस देन यू कैन ट्राई अनेबलिंग द एयरप्लेन मोड, आफ्टर अ वाइल टर्न ऑफ द एयरप्लेन मोड एंड चेक इफ द यूट्यूब इज वर्किंग। एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ करिएगा तो आप देखिएगा कि वो यूट्यूब काम कर रहा है कि नहीं, इफ नॉट देन यू कैन रीसेट द नेटवर्क सेटिंग, और अगर नहीं कर रहा है तो वो नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड के लिए आपको सिस्टम में जाके रीसेट ऑप्शन पे जाकर रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ करना पड़ेगा, फाइनली टैप द रीसेट सेटिंग और रीसेट सेटिंग को क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन iOS में है तो आपको सेटिंग में जाके जनरल में जाके रीसेट एंड टैप ऑन रीसेट नेटवर्क सेटिंग करना पड़ेगा जिससे कि नेटवर्क रीसेट हो जाए और आपका यूट्यूब प्रॉपर काम करने लगे, आपका फोन कायदे से काम करने लगे। आपको अपने अपडेट कर लेना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, हो सकता है कुछ अपडेट आया और जिसकी वजह से वो यूट्यूब में का काम ना कर रहा हो, इसलिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको अपडेट कर लीजिएगा। यूज अ VPN, आप VPN भी यूज़ कर सकते हैं, हेल्प यू एसेस यूट्यूब बाई टनलिंग द नेटवर्क टू डिफरेंट कंट्री। अब डिफरेंट कंट्री में आपको नेटवर्क पे काम करने के लिए VPN को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी बुला लीजिए और उससे चेक करवाइए कि कहीं आपका एक्सेस ब्लॉक तो नहीं है किसी किसी वेबसाइट में। फ्रॉम देयर एंड सो टू रिजॉल्व द यूट्यूब इशू
यू शुड कॉन्टैक्ट योर ISP एंड आस्क देम टू लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शन। अगर आपका कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ हो तो वो हट जाए। इज यूट्यूब नॉट वर्किंग आफ्टर ट्राइंग ऑल दिस? उसके बाद भी अगर आपका यूट्यूब नहीं काम करता है तो आप यूट्यूब के हेल्प सेंटर पे जाइए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए यूट्यूब के थ्रू। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर एंड फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द कम्युनिटी एंड कमेंट देयर प्लीज। थैंक यू।